الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العميم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی دوست احباب باواز بلند مل کے پڑھیا صلاة و سلام علیک یا جڑا حسینی بیٹھا ہے نا تقریباً علماء صرف پڑھ رہے ہیں تے میں دوست احباب نو گزارش کراں گا کہ سرکار دی ذات تے محبت دے نال والیہانہ انداز دے اندر جو جذبے دے نال عقیدت دے نال سرکار دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين یوں ہی نہیں پڑی تھی ضرورت حسین کی یوں ہی نہیں پڑی تھی ضرورت حسین کی ایمان کی بقا ہے شہادت حسین کی ارے یہ جن و بشر کا مسئلہ نہیں کربلا سے پوچھو اللہ تک گئی سخاوت حسین کی سارے دوست کری محبت نہ کو سبحان اللہ جڑے جڑے حسینی بیٹھے نے میرے نال مل کے کلام پڑھن گے اس تو بعد مختصر جی حاضری ہوئی کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں اے مینو پتہ ہے کہ صبح تسی بھی جا کے کام کرنا ہے تے ساڈی بھی مصروفیات ہوندی ہے تواڈے تو زیادہ تھکاوٹ مینو ہے رات میں بکھر دا سفر کر کے تواڈے کول اس ٹائم لے جاگ رہے گزرن والی رات میں بھی نہیں سویا تے تسی بھی الحمدللہ عاشق رسول بیٹھے جی میں بھی عاشق رسول ہاں تے سارے میرے نال مل کے پڑھو گے جتنی دیر سننا ہے محبت دے نال سننا ہے تے عقیدت دے نال سننا ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے مل کے پڑھ لو یہ دل بھی حسینی ہے
ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, अलहमद के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। तू माने या ना माने अपना तो अकीदा है, तू माने या ना माने अपना तो अकीदा है, कि हर कारी के होंठों पे कुरान हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, अलहमद के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। घिरने नहीं देता है कंधों से नवासों को, घिरने नहीं देता है कंधों से नवासों को, घिरने नहीं देता है कंधों से नवासों को, क्या खूब के नबियों का सुल्तान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, अलहमद के अपना तो ईमान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, अलहमद के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। जिब्रील झुलाते हैं हसनैन के झूले को, जिब्रील झुलाते हैं हसनैन के झूले को, जिब्रील झुलाते हैं हसनैन के झूले को, क्या बात के आका का दरबा भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, अलहमद के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। अल्लाह तबारक व तआला दी हम्द व सना तो बाद दुरूद पाक नबी मुकर्रम शफी मुअज्जम दस्तकीर जहां हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दरबार गोहर बार के अंदर हदीए दुरूद व सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद मुअज्जज़ीन वाजिबुल एहतराम दोस्तों भाइयों बुजुर्गों नौजवान साथियों ये अज दी खूबसूरत महफिल जिक्र इमाम हुसैन हाजी अनैत अली और इन्हां दे साहबजादगान ने ये खूबसूरत बजम सजाइए महफिल पाक का इनाकात किया है। तुहाडे ते मेरे दरमियान पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर मुहम्मद नसरुल्ला शाह साहब दामत बरकत मुलालिया आप दी जेरे सदारत है। मुख्तसर जी हाजरी है बयान ताकि तुसी सुन चुके जे अल्लामा साहब अपनी मरकजी मस्जिद के खतीब भी बयान कर चुके ने, उस तो बाद साढ़े सीनियर उलमा बल्कि इस चक वालियां वास्ते फखर ने हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मुहम्मद आशिफ फरीदी साहब आपनों ये ख्याल है कि मैं नाराज़ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिंबर रसूल ते बैठा मैं आप दे नाल नाराज़ हाँ, अल्लाह बख्श फरीदी साहब
मैं इन्हां नाल बिल्कुल नाराज नहीं हाँ। अल्लाह ताला आप दे इलम दे अंदर उम्र दे अंदर बरकत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप दे मजीद जो आप जद्दोजहद मेहनत करा रहे ने अल्लाह ताला आप नूं इस दे अंदर कामयाबी अता फरमाए। 12:46 हो गए, अगर जौक नाल सुनो तो मैं 15-20 मिनट लावा, नहीं तो दुरूद सलाम पढ़ ली। एक बारी सारे कहो का मोहब्बत ना सुभान अल्लाह, पिछले भी सारे रल के कह मोहब्बत ना सुभान अल्लाह। हजरत ग्रामी कदर अल्लाह दा कुरान पढ़िया है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। अल्लाह फरमांदा है कि महबूब इन्हां नूं कह दे जिहड़ा कुछ मैं तुहाडे तक पहुंचाया है, की कुछ महबूब ने अपनी उम्मत तक पहुंचाया है, की अता फरमाया, इज्जत मिली ते नबी दे सदके, शोहरत मिली ते नबी दे सदके, बंदगी मिली ते नबी दे सदके, रिफात मिली ते मेरे नबी दे सदके, मकाम मिलिया मर्तबा मिलिया ते मेरे नबी दे सदके, तहारत मिली ते मेरे नबी दे सदके, कुरान जैसी दौलत मिली ते मेरे नबी दे सदके, ईमान जैसी दौलत मिली ते मेरे नबी दे सदके, वलियां नू विलायत मिली ते मेरे नबी दे सदके, वलियां नू करामत मिली ते मेरे नबी दे सदके, इमामत मिली ते मेरे नबी दे सदके, हजराते ग्रामी कदर चन नू रोशनी मिली ते मेरे नबी दे सदके, सूरज नू चमक मिली ते मेरे नबी दे सदके, दरियावां नू लहर मिली ते मेरे नबी दे सदके, समुंदरां नू मौज मिली ते मेरे नबी दे सदके, नबियां नू नबूवत मिली ते मेरे नबी दे सदके। सुनियो अपने मुकद्दर ते नाज करो, अगर कल जन्नत मिलेगी मेरे नबी दे सदके, अगर कल रोजे हशर जन्नत मिलेगी तो मेरे नबी दे सदके मिलेगी। अल्लाह ने फरमाया महबूब फरमा दे, तवज्जो मेरे अल तवज्जो मुख्तसर दी हाजरी है, अल्लाह फरमांदा है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। महबूब इन्हां नु कह दे जेड़ा कुछ तुहाडे तक मैं पहुंचाया, सहाबा नु इज्जत मिली, पूरी उम्मत नु जो कुछ मिलया, मैं तुहाडे कोल कोई उजरत नहीं मंगदा, इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, मैं तुहाडे कोल अपने कुरब दी मुहब्बत मंगदा, अपनी अहले बैत की मुहब्बत मंगना। हुण इस अहले बैत के अंदर केड़ी अहले बैत शुमार है? हजरत उम्मे सलमा मौजूद ने, आका करीम अली सलातो सलाम तशरीफ फरमा ने, सरकार ने कंबल लोड़िया होया, एक रावी चादर कहंदा है कि एक कंबल कंबल लोड़िया, ते हसनैन करीमैन भी ने, मौला अली भी है, ते जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा साजिदा राकिया बीबी फातिमतु जहरा सलामुल्लाह अलैहा। इन्हां नूं आका ने अपनी चादर के अंदर लिया होया है, ते हजरत उम्मे सलमा फरमांदियां ने या रसूल अल्लाह मैं तुहाडी इस अहले बैत दे विच आ जावां, फरमाया ना तू खैर ते है, तू मोमिना दी मां दे दर्जे ते है। ये उस वक्त की गल है कि जदू कुरान नाजल होया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, ये पाकी दिया गल्ला हो रही ने, फरमाया कि उम्मे सलमा तू इस अहले बैत के अंदर नहीं, तू खैर ते मोमिना दी मां है, पता चलिया कि अगर आल के अंदर ने इमाम हसन ने ते इमाम हुसैन ने जनाबे मौला अली ते फातिमा ने ते मेरे आका ने इन्हां पंज हस्तियां नूं ही पंज तन के पंज हस्तियां नूं बोलो मोहब्बत नाल पंज तन के आ जांदा है। आका करीम अली सलातो सलाम दे गुलामो हजरत इमाम हसन ते हुसैन दी शहादत हर बंदे ने सुनी है, तकरीबन आ छोटे छोटे बच्चे नु ही मुहर्रम दे वाकिए दा पता है। हर उलमा हर खतीब हर नकीब हर नातखां अपने रंग दे अंदर अपने टंग दे अंदर बयान करदा है, और कुछ लोग इमाम हसन ते इमाम हुसैन बल्कि सहाबा दे बारे दे अंदर भी गलत नजरियात रखदे ने, जबकि लोगों का यह कहना है कि अगर अल्लाह ने महबूब नु इख्तियार अता फरमाया है, अज कहा जाता है कि नबी मुश्किल कुशा ने मौला अली नु मुश्किल कुशा कहा जाता है, अगर ये मदद करने वाली हस्तियां सन तो करबला दा मैदान रब ने क्यों सजाया? रब ने करबला दे मैदान के अंदर
नवासे रसूल की मदद क्यों ना फरमाई और ये चाहते कि अज अगर सुनिया का दरूद कबर के अंदर आका सुन सकते ने मौला अली अगर मुश्किल कुशा ने मदद कर सकते ने फिर इमाम अली मकाम की मदद क्यों नहीं की। मैं क्या जरा अपनी अकल का इलाज करा मकामे हुसैन इम्तिहाने हुसैन हो मकामे हुसैन ते इम्तिहाने हुसैन के अंदर फर्क है। कुरान के अंदर मूसा अली सलाम का वाकिया मौजूद है। मूसा अली सलातु सलाम पैदा हुए अल्लाह के पैगंबर अल्लाह के नबी फिरौन ने बंदे भेजे हजरत मूसा की वालदा को ला गए हजरत मूसा ने डर दे मारिया तवज्जो मेरे हाल हजरत मूसा ने डर दे मारिया अपने पुत्र मूसा नु अग दे अंदर सुट दिता फरमाया कि कुछ देर वास्ते कुछ बदन चल जाएगा बच जाएगा बाद दे अंदर इलाज कर लवांगा। फिरौन दे हवारी जदों आए ते आके चले गए थोड़ी देर तो बाद अग दे विचों कढ़िया मां वेखदी की है कि पुत्र मूसा अग दे अंदर अंगारियां नाल खेड रहे अल्लाह दा नबी अग दे अंदर अंगारियां नाल खेड रहे। फिर वह वक्त आया कि जदों मां ने मूसा नू संदूक दे अंदर पा के दरिया दे अंदर सुटिया दरिया दे अंदर छड़ दिता फिर वह बच्चा फिरौन दे कोल गया फिरौन की औलाद नहीं जनाबे आसिया कहंदियां ने कि इस बच्चे नू असीं रख लईए अल्लाह ने सानू औलाद अता फरमाईए अंत मूसा फरमाया तू पानी दा बच्चा है। एक दिन ऐसा आया कि फिरौन बैठा है हजरत मूसा पैगंबर ने ताड़ी के अंदर हाथ मारिया इधरों जनाब फिरौन ने तलवार खिंची मारन लगा जनाबे आसिया फरमांदियां ने कि मारिया नहीं जांदा बच्चे बड़िया हरकत करते हो बच्चे बड़ा कुछ कर जांदे ने जनाबे मूसा अली सलाम दा बचपन है खुदा ने हुक्म फरमाया कि मूसा पैगंबर उदो मकाम सी ते अज इम्तिहान ही अज हीरे नू रहण दी ते अंगारे नू चुक लई मूसा अली सलाम ने अंगारा चुकिया हाथ दे अंदर हाथ जल गया चुक के ते जुबान ते रखिया जुबान ते अंदर लुगत आ गई सारी जिंदगी एवें रहे। अर्ज करने दा मकसद है कि जदों नवासे रसूल इमामे हुसैन कमली वाले आका दे कंधियां दे खेड़िया करते सन ओ मकामे हुसैन सी जदों करबला दा मैदान सजे ते फिर इम्तिहान अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह फरमाया कि मेरे अहले बैत की मोहब्बत तुहाडे ते वाजिब हो चुकी है आका करीम अली सलातु सलाम दे गुलाम। फिर एक होर बहुत बड़ी गल कि हर बंदा महफिल पाक सजांदा है इमामे हसन नू बहुत ही थोड़ा याद करके इमामे हुसैन दा तज़किरा बहुत ज्यादा कीता जांदा जबकि आका करीम हसनैन ते करीमैन दोवां दे नाल प्यार करदे सन। आओ मेरे नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम एक मर्तबा आका करीम तशरीफ फरमाने हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला रिवायत करदे ने आप फरमांदे ने कि आका करीम अली सलातु सलाम तशरीफ फरमाने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन ते करीमैन दी कुश्ती कराई दोवें शहजादे आपस दे अंदर कुश्ती पे करदे ने मेरे आका इमामे हसन नु फरमांदे ने ऐ हसन हुसैन नु फला जगह तू फड़ हसन हुसैन नु फला जगह तू फड़ इमामे हसन नु मेरे आका तापे दसदे ने सुनो नबी दे गुलामो शमाए रिसालत दे परवाने हो जरा तवज्जो करो सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत जनाबे बीबी फातिमतु जहरा सलामुल्लाह अलैहा अपने अब्बा जान दी बारगाह दे अंदर अर्ज कर दिया ने अब्बा तुसी इमामे हसन नु ए गुर पे दसदे जे तुसी इमामे हसन नु ए जनाब तरीका पे दस दे जे हुसैन नु कौन दसेगा हुसैन छोटा है मेरे आका फरमांदे ने बीबी फातिमा ऐ मेरे जिगर दा टुकड़ा हसन नु मैं दस रहा हुसैन नु रब दा फरिश्ता जिब्रील
हुसैन नु जिब्राइल दस रहे आओ नबी दे गुलाम शमे रिसालत दे फरमानियो सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी फातिमातु जहरा ए ओ फातिमातु जहरा ने जड़िया सारी सारी रात अल्लाह दी इबादत कर दिया ने सारी सारी रात रब दी इबादत करन तो बाद अल्लाह दी बारगाह दे अंदर इल्तजा कर दिया ने मौला तू इतनी छोटी रात बनाइए मौला तू इतनी छोटी रात बनाइए तेरे महबूब दी बेटी रज के इबादत नहीं कर सकती तेरे महबूब दी बेटी इबादत नहीं रज के कर सकती जनाबे हजरत फातिमा तो जहरा दा मकाम है कि आप दे झूले फरिश्ते झुलांदे ने आप दी चक्की नूं भी फरिश्ते आके चलाया करदे ने ओ मोमिना दी मां ओ जन्नती औरतां दी सरदार जनाबे सैयदा फरमांदियां ने कि एक मर्तबा मैं अपने घर दे अंदर मौजूद हां ईद दा दिन करीब आया है हसनैन ते करीमैन आ गए ने आके अर्ज करते ने अम्मा कल ईद दा दिन होएगा मदीने दे अंदर लोगां ने नवे नवे कपड़े पाने ने बड़े आला किस्म दे लिबास पाए जाणगे अम्मा न मेरे नवे कपड़े ने न भाई हुसैन दे नवे कपड़े ने मेरे आका करीम दे गुलामो शमे रिसालत दे परवानेओ इधर सैयदा ने मुसल्ला बिछाया पुत्र नूं कहंदियां ने बेटा कल तैनूं मैं नवे कपड़े पवावांगी सैयदा दा तकवा वेख्यो कि मुसल्ला बिछा के अल्लाह दी बारगाह दे अंदर इल्तजा करदियां ने मालिक दी बारगाह दे अंदर दुआ करदियां ने मौला तेरे प्यारे महबूब दे नवासियां नाल अज मैं वादा कर लिया कि इन्हां नूं कल नवे लिबास पवावांगी मेरे कोल कोई चीज मौजूद नहीं मौला तेनूं पता है कि तेरे महबूब दी बेटी कोल कोई दौलत भी नहीं सुनो अज बेटियां वालों तवज्जो करो आका करीम अली सलातु सलाम दे गुलामो इतनी ही देर दे अंदर दरवाजे ते दस्तक आईए जनाबे सैयदा ने मुसल्ला समेटिया दरवाजे ते आके पुछदियां ने आण वालिया कौन ने फरमाया आण वाला अहले बैत दा दर्जियां अहले बैत वास्ते नवी पोशाक लेके आया फरमाया कि अहले बैत दा दर्जियां कपड़े लेके आया नवे आका करीम अली सलातु सलाम दे गुलामो जदों कपड़िया दा दस्या सैयदा ने वो कपड़े दरवाजे तो लै ले और कपड़े लैके जदों नवे पवा लें सैयदा ने कपड़े पवाए तो थोड़ी देर तो बाद ना कमली वाले आका तशरीफ लाए हुण आका ने यह नहीं कहा कि फातिमा ये कपड़े कित्थों आए ने अज तुसी ते मैं घर दे अंदर जाके पुछांगे बीवी कोल के नवे कपड़े पुत्र नूं पवाए कित्थों आए ने छेती नाल दस ते आका जदों तशरीफ लै फरमाया कि बेटी फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा तैनूं यह पता है कि यह पोशाक कौन लैके आया फरमाया कि नहीं पता आका तुसी दस दियो मेरे आका ने फरमाया फातिमा ये जड़ी पोशाक आई है रब ने जिब्राइल दे हाथ जन्नत दे विचो ये पोशाक दसो ये अहले बैत दा तकवा है ये अहले बैत दा ईमान है अल्लाह तबारक व तआला ते भरोसा है असीं अहले बैत दे नाल प्यार तां करने आ अहले बैत दे नाल मुहब्बत तां है चाहत तां है लेकिन इमामे हुसैन का किरदार अपनाने लिए तैयार नहीं अहले बैत का किरदार अपनाने लिए तैयार नहीं मैं यही अर्ज करांगा कि इमामे हुसैन का किरदार अपनाओ और इमामे हुसैन ने आका करीम अली सलातु सलाम आप दी दीन दी खातर आपने जान दा नजराना पेश कीता है लेकिन आका ने इना ते की कुर्बान कीता है अज आओ मैं तुहानू इह दसां एक दफा का वाकया है आका करीम तशरीफ फरमाने एक साइड ते शहजादे हुसैन नु बिठाया है एक साइड ते शहजादे इब्राहिम नु बिठाया है दो शहजादे ने एक पासे इब्राहिम ते एक पासे शहजादे हुसैन ने आका दोवां दे नाल प्यार करदे ने नाले मुस्कुराउंदे आका कदी इब्राहिम दे चेहरे ते वेखदे ने कदी आका हुसैन दे चेहरे ते वेखदे ने इतनी देर दे अंदर जिब्राइल आया आके अर्ज करदा या नबी अल्लाह अल्लाह प्या फरमांदा है दोवे तुहानू प्यारे लगदे ने इन्हां विचों एक मैनू भी प्यारा लगदा है इन्हां विचों एक मैनू भी प्यारा लगदा है मैनू भी एक सोहणा लगदा है पता चलिया कि खुदा हबीब दे नाल
हबीब नु जिस चीज नाल प्यार हो जाए खुदा भी उस चीज नाल प्यार कर ले। फरमाया कि एक मेनू दे दियो आका करीम अली सलातु सलाम दे गुलामो। हुण मेरे आका सोच दे अंदर अगर मैं हुसैन नु दे दियां मेरे जिगर दा टुकड़ा फातिमा नु भी दुख पहुंचेगा मेनू भी दुख पहुंचेगा। अगर अपने पुत्र इब्राहिम नु दे दियां कल्ला मेनू दुख आका करीम अली सलातु सलाम ने फरमाया कि जिब्राइल मैं अपना पुत्र इब्राहिम दे छड़िया। रावी कहता है कि हले तीन दिन गुजरे सन तीन दिन बाद हजरत इमाम हुसैन हजरत इब्राहिम आका करीम अली सलातु सलाम दे बेटे आपका विसाल हो गया। इस तो बाद रावी लिखता है कि जदू भी इमाम हुसैन करीम आका दी दरबार दे अंदर आया करदे सन आका सहाबा विच फरमाया करदे सन सहाबा ए मेरा ओ हुसैन है जिदे तो मैं पुत्र इब्राहिम जेड़ा पुत्र इब्राहिम आका हुसैन ते वारण ओ क्यों ना लाने दी पग दी लाज रखी। आओ नबी दे गुलामो शमे रिसालत दे परवाने बस मौजू नूं इख्तिताम दी तरफ ले जावां। करबला दा मैदान सजिया होया दस मुहर्रम दा दिन आ गया हजरत ग्रामीए कदर रात दे वक्त मेरे इमाम अली मकाम ने कूफे वालियां नूं यजीदियां नूं कहा कि मैनूं एक रात वास्ते मोहलत दे दित्ती जाए एक रात वास्ते मैनूं छड़ दित्ता जाए ताकि मैं अपने जितने लोग नाल लैके आया सारियां नूं रुखसत कर दियां। आका करीम अली सलातु सलाम दे गुलामो मेरे इमाम अली मकाम खैमे दे अंदर आए आके सारी अहले बैत नूं सहाबा नूं इकट्ठा करदे ने नाले फरमांदे ने यजीद मेरी जान दा दुश्मन बन गया है कूफे वाले मेरी जान दे दुश्मन बन गए ने ए मेरे खून दे प्यासे बन गए ने अज जाओ मैं तुहानूं इजाजत दिंदा वां अज जाके ते तुसीं चले जाओ अपने अपने घरां दे अंदर जाओ जा मेरी भैन तू भी चली जा भांजियां नूं भी लै जा। इमाम अली मकाम फरमांदे ने शहर बानो तू भी चली जा। रब दी इज्जत दी कसम इमाम अली मकाम जदों इह फरमांदे ने साहबा अर्ज करदे ने अहले बैत अर्ज करदी है इमाम अली मकाम ऐ इमाम हुसैन जदों कल कयामत दा दिन होएगा कल जदों नफ्सो नफसी दा आलम होएगा जदों मुस्तफा दी बारगाह दे अंदर हाजिर होवांगे जदों कमली वाले आका ने पूछना है ऐ मेरे सहाबा मेरी अहले बैत तुसी मेरे नवासे हुसैन नु करबला दे मैदान दे अंदर कलियां छड़या है जे। आका करीम अली सलातु सलाम दे गुलामो आका दी इमाम अली मकाम दी बारगाह दे अंदर अर्ज करदे ने ऐ मैदान छड़ के असी नहीं जा सकदे। फरमाया कि अगर मैदान नहीं छड़ सकदे जे फिर सारी रात अल्लाह दी इबादत करो अल्लाह दी बंदगी करो ताकि यजीद पता चल जाए हुसैनी कदी बेनमाजी नहीं होता हुसैनी हमेशा नमाज हुसैनी हमेशा शरीयत ते अमल करन वाला हुंदा है। सुबह तहज्जुद दा वक्त होया शहजादे अली अकबर ने आजान पढ़ी मेरे आका करीम दे गुलामो जमात हुई नमाज तो बाद मेरे इमाम अली मकाम ने करबला दे मैदान दे अंदर खुतबा इरशाद फरमाया। मेरे इमाम फरमाने रे लोगो अज करबला दे मैदान दे अंदर मैं खुद नहीं आया कूफिया ने मेरे कोल खत भेजे ने मेरे इमाम अली मकाम ने अपने थैले दे विचो ओ 150 खत कड्डे फरमाया के वेख लो जदों मैं मदीने दे अंदर सा ओ जदों मैं नाने मजा नाने दी मजार छड़ के आया सा उस वक्त इन्होंने मेरे कोले खत भेजे सन। आका करीम अली सलातु सलाम दे गुलामो मेरे आका करीम दे सामने मेरे इमाम अली मकाम दे सामने हुर ने हुर कहंदा है कि मैं नहीं जानदा किन्ना लोगों ने तुहानू खत भेजे ने। मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया इन्हां लोगां दियां मोहरां चेक करके जिन्हां ने दस्तखत करके मैनूं मदीने दे विचों बुलवाया है मेरे इमाम अली मकाम ने करबला दे मैदान दे अंदर खुतबा इरशाद फरमांदिया होया कि लोगो तुसीं अज मेरी जान दे प्यासे बन गए जे अज भी तुहाडे कोल वक्त है तुहानूं शहजादा अली अकबर दे रहा तुहानूं अली असगर दे रहा तुहानूं अब्बास भी दे रहा तुहानूं अज मैं अपनी औलाद दे रहा मैनूं छड्ड दिओ ताकि जदों कल कयामत दा
अल्लाह दी बारगाह दे अंदर मैं हुसैन तुहाडी बख्शिश कराण आवांगा ते कल नूं तुसीं वी बख्शिश कराण दे काबल हो जाओगे। लेकिन इन्हां बदबख्तां नूं कोई गल समझ नहीं आंदी। मेरे इमाम अली मकाम ने जदों खुतबा इरशाद फरमा लिया, हजरत हुर ने मेरे आका दे पिछे मेरे इमाम अली मकाम दे पिछे एक नमाज अदा कर लई ऐ। मेरे इमाम अली मकाम दे नाल मुहब्बत करके इमाम अली मकाम दी बारगाह दे अंदर आ जांदे ने। अल मुख्तसर के हुर शहीद हो जांदा है। इधरों जनाब जदों शहादत दे सिलसिले शुरू हो जांदे ने, एक ज़ईफ जी माई सोटी दे आसरे ते लाठी दे सहारे ते चलदियां ने, चलदियां चलदियां वेखदियां ने अज इमाम मुकाबला पिया करदा है, अज इमाम दीन दी सरबुलंदी वास्ते लड़ रहा है। कर दे तराइयां ने बेटा वाहब बिन अब्दुल्ला कलबी एक बेटा है, शादी सिर्फ 17 दिन गुजरे ने। घर दे अंदर नवी नौ आईए, घर दे अंदर नवी औरत आईए, बेटा भी मौजूद है। आके कहंदे ने अब्दुल्ला बिन वाहब बिन अब्दुल्ला कलबी दी वालदा कहंदी है, बेटा तू मेरी जिंदगी दा कुल सरमाया है, बेटा तू मेरी जिंदगी दा कुल आसरा है। लेकिन बेटा अज मैं एक गल करनी आ, सारी जिंदगी तू मेरी फरमा बरदारी कीती है, अज मां दा एक हुक्मल। अर्ज कर देने अम्मा की हुक्म है, मैं अपनी जान कुर्बान करने वास्ते तैयार हाँ। मां ने कहा कि बेटा अज जा कर बला दे मैदान दे अंदर चला जा, जा के ते मेरे इमामे अली मकाम ते अपनी जान दा नजराना पेश कर। हजरत वाहब बिन अब्दुल्ला कलबी मां नु कहंदे ने कि मां मैं चला ता जावांगा, लेकिन अरजे 17 दिन होए ने शादी नु, मैं बीवी कोल पूछ लिया। मां कहंदी है बेटा औरतां बड़ियां नाजुक दिल होंदियां ने, ए ना होवे कि ए तेनु रोक ले। फरमाया कि ना मां, जेड़ा तुहाडे नाल वादा कर चलिया वादा वफा करांगा। मेरे आका करीम अली सलातु सलाम दे गुलामो हजरत वाहब बिन अब्दुल्ला कलबी आपने बीवी दे नाल मुशावरत करदियां होया अम्मा नु भी बीवी नु लेके इमामे अली मकाम दे खेमे दे अंदर हाजिर हुए। मां अर्ज कर दिए, इमामे अली मकाम मेरी जिंदगी दा कुल सरमाया है, इस पुत्र नु मैं तुहाडी बारगाह दे अंदर पेश करनी है। इमामे अली मकाम ने अल मुख्तसर उस पुत्र नु कबूल फरमा के ते इमामे हजरत वाहब बिन अब्दुल्ला कलबी आप दी वालदा नु ते बीवी नु अपने घर दे अंदर अपने खेमे दे अंदर रख। हजरत वाहब बिन अब्दुल्ला कलबी आप लड़दियां 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 जामे शहादत नोश करके कई यजीदियां नु मारे। जदों करबला दा मैदान सजया है, इमामे अली मकाम ने अपने शहजादियां नु दे के सारा कुछ करन तो बाद एक ही पैगाम दिता है। नेज़े दी नोक ते भी जदों सिर टंगिया होया सी उदों भी इमामे अली मकाम दे लबां तो कुरान जारी सी। अज साडे कुरान मैले हो गए, अज साडे घरां दे अंदर कुरान मौजूद ने लेकिन पढ़ने की फुर्सत नहीं। अज साडे कोल इस्लाम मौजूद है लेकिन अमल नहीं करते, ईमान है अमल नहीं है। अल मुख्तसर टाइम ज्यादा हो गया है, दुआ है कि अल्लाह करीम मेरी इस हाजरी को कबूल मंजूर फरमाए। दोस्तों इमाम अली मकाम की शहादत बहुत बड़ी है, अगर एक एक शहादत पेश की जाए तो एक एक घंटा लगेगा। मैं करबला के मैदान के 10 मुहर्रम की आगाज के दो वाकिए तुहानू सुनाए ने। अल्लाह करीम इमामे अली मकाम अहले बैत दे नाल मुहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, बिलखसूस हाजी अनायत अली इन्होंने इन्होंने साहबजादगान ने जेड़े मकसद दे नाल इस महफिल पाक नू सजाया। अल्लाह तबारक व तआला इन्हां नू कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह तआला इन्हां नू मजीद इज्जत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहाडा भी ते मेरा भी आना जाना अपनी बुलंद बारगाह दे अंदर कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावा या अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्त अहबाब खड़े हो जाओ, दुरूद सलाम पढ़ लो।